इफ यू जस्ट कीप डूइंग दिस टू थिंग्स एवरी डे, ऑटोमेटिकली योर डिस्ट्रैक्शन विल गो डाउन, ऑटोमेटिकली, आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, लुक, इफ यू अंडरस्टैंड वॉट यू आर, वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, डिस्ट्रैक्शन विल नॉट बी देयर इन योर लाइफ। अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी है, कुछ समय मिला है इस प्लैनेट पे बिताने के लिए आपको, तो वहां पर आप वही चीज करोगे जो आपके लिए मायने रखती है, वो काम नहीं करोगे जो किसी और के लिए मायने रखती है, वो काम नहीं करोगे आप जो जो आपका जिंदगी खा रही है, वो काम करोगे क्या बताओ आप? छोटी सी जिंदगी यार, छोटा समय मिला है यहां पर, तो आप वो काम करो ना जो आपके लिए मीनिंगफुल है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी नेवर ऑब्जर्व आवर सेल्फ, वी डू नॉट लाइक टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ। तो हम क्या करते हैं, हम लोग समस्या का समाधान बाहर खोजते रहते हैं हमेशा, हमें लगता है कि कोई हमें बता दे कि हमारा डिस्ट्रैक्शन कैसे कम होगा। आप बैठ के खुद रोजाना बैठ के देखिए कि तुमने दिन भर क्या किया, वो दिन रिक्रिएट करिए, हर चीज आप रिक्रिएट करके देखो कि आपने क्या किया आज। 10 से 11 के बजे के बीच में तुम क्या कर रहे थे, 11 से 12 बजे के बीच में क्या कर रहे थे, एक बढ़िया बना लो चार्ट 12-15 घंटे का और लिखो क्या किया तुमने उस घंटे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने कहां कहां अपना टाइम बर्बाद किया। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप देखना शुरू करो एटलीस्ट। सीइंग में बहुत पावर होती है, चीजों को देखने में बहुत पावर होती है, एक बहुत अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है आपके अंदर। तो जब आप अपने आप को समझने लगोगे कि हाँ मैंने 11 से 12 के बीच में कुछ फर्जी वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पर, है ना, कुछ और काम कर रहा था फर्जी, तो जब आप इसको समझना शुरू करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है, कहां नहीं जाना चाहिए, जो आपकी लाइफ से अलाइन नहीं है। अब दोस्तों से बात करना कोई गलत चीज नहीं है, वो तो जरूरी है, वी आर सोशल एनिमल, है ना, आपको कट ऑफ नहीं होना, आपने उनसे बात करी तो वो तो वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई समय ऐसा दिया है जो जो देने का कोई मतलब ही नहीं है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी का टाइम वो खा रहा है आपसे, तो यार फिर क्यों कर रहे हो वो चीज, डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से आप पहले अवेयर होइए कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन क्या है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं, किसी और के कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट फिगर आउट व्हाट योर डिस्ट्रैक्शंस आर, नोट इट डाउन जस्ट एवरी डे, 7 दिन 10 दिन देखते रहो, मैं आपको बता रहा हूं आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। कीप टू थिंग्स इन माइंड, योर गोल, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, सेकंड, यू कीप ऑब्जर्विंग योर डिस्ट्रैक्शंस। इफ यू जस्ट कीप डूइंग दिस टू थिंग्स एवरी डे, ऑटोमेटिकली योर डिस्ट्रैक्शन विल गो डाउन, ऑटोमेटिकली, आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है।